हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी और सत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी और सत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सर, मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए, सर एक मिनट, सर इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस भाषा का प्रयोग खड़गे जी ने किया है, वो आज की कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति का परिचायक है। मुझे लगता है भाई, आज़ादी के आंदोलन में सभी लोग रहे हैं और खड़गे जी के बयान से हम सहमत नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं और इसी तरह की बयानबाजी किसने नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रयोग की है वो घोर निंदनीय है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, ये उस शब्द के समकक्ष उनकी मानसिकता का प्रतीक है।